अबू जान जी मरी आ गए ने, कह रहे मैं मरी आ गया वो चिट्टे चिट्टे पत्थर रखे उन्हें कहता पे बर्फ हैगी मरी दे पहाड़ ने गए बर्फ इले कोयली आ गई उत्ते माशाल्लाह। इत जी है सिंगिंग प्रोग्राम इत होंगे ते दूसरा शेर जी आ सामने बैठा है माशाल्लाह तुसीं वेख सकदे हो ते ए साइड ते पहले मैं कदी नहीं गया आज खुली हुई आज तुहानू खा देना गया पहले तो बंदर बैठे ने बाकी माशाल्लाह सारे पकौड़े बना लेने गे चाचू इजाज और भी आ गए ने अबू जान भी आ गया है चाचू जान चको माशाल्लाह बिस्मिल्लाह चेक करो गोश्त पा ले अच्छा गोश्त नहीं बिस्मिल्लाह रहमान रहीम अस्सलाम वालेकुम की हाल चाल ने मेरे तमाम भैन भाई दिल के फजल ते करम ना मैं बिल्कुल ठीक ठाक हाँ जेडे मेरे भैन भाई साडे चैनल ते नवे ने या पुराने जिन्हें साडे चैनल सबसक्राइब नहीं किया या घंटी वाला बटन दबाया जरूर साडे चैनल सबसक्राइब कर लो ते घंटी वाला बटन दबा लो चलो फिर अज वला करने हैं स्टार्ट सब तो पहले तो मेरे तमाम भैन भाइयों नू मेरे अबू जान ते मेरी तरफों इस दूसरे दिन की मुबारकबाद अज सुबह सुबह नाल ही अबू जान ना मिल के आ गया क्योंकि अबू जान नू थकावट बहुत ज्यादा है कि चांद रात आले दिन की रात नू इत्थों 2 बजे गए सी मिल के ते ऐसे वजह तो ना अबू जान नू थोड़ा जिहा बुखार होया रात नहीं ऐसे वजह तो नहीं जा पा थकावट सी थोड़ी जी घूमन फिरन ते अज मैं सुबह सुबह आया दुकान थोड़ी जी नाल खुलाई है कि ते अम्मी जान ने सुबह कहा सीगा कल आपां कोई रेसिपी नहीं पकाई ते अज आपां ना VIP जी एक दो रेसिपी पकानियां ने ते अबू जान कह रहे ने हुण तू रेसिपियां समान लैके चला जा ते मैं दुकान संभाल लवांगा हां फिर जाना है हुण फिर चलना आ गया ते अबू जान जिहड़े नेगे कह रहे नेगे कि तकरीबन आपां 1-1.5 बजे जावांगे हाली तक चाचू जा को पुछना है जदों उन्होंने कहा फिर उदों जावांगे क्योंकि उन्होंने तो कहना ठंडे के टाइम जाइए तकरीबन हुण उन्होंने हिसाब नाल ते 5-1 बजे जावांगे 5-6 बजे वो थोड़ा ठंडा ठंडा टाइम हो जाएगा फिर जावांगे इंशाल्लाह बाकी हम वेखने चाचू जाल कहना है चाचू जाल ने कीता कह दे आप 1:30 बजे चले जाने फिर 1:30 बजे चले जावांगे ते अज ही सारा बाजार खुले हुआ है तो करना है समान तो कुछ समान लेना है तो फिर घर चलना है जेड़ा जेड़ा समान लेना सीगा इतों ले लिया है तो हूँ फिर घर चलना है सुबह ला दा मोटरसाइकिल ही धुप्पते ही खोता है तेना काम जहा कराया है तो पता नहीं ना मोबाइल जहा लीक हों की चीज़ सारे इन्होंने इंजन चु निकलती पी है पता नहीं मैं तो पहली बारी इस इंजन का काम कराया है तो यह मसला बन रहा वेखो कालक जी नहीं घर वापस जी मैं आ गया तो आ समान है हेलो मी जान बिस्मिल्लाह रहमान रहीम अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे भैन भाई कैसे हो मेरे तने मेरे तमाम भैन भाई बिल्कुल ठीक ठाक हो सर तो मैं भी अल्लाह फरमान करम से बिल्कुल ठीक ठाक आप जान भी रहो खुश रहो आबाद रहो हंसते रहो तो मुस्कुराते रहो तो मेरे डेढ़ सौ द्वारा प्रसाद हमें रखो दो में याद तो सारा मेरे भैन भरावान सब तो पहले ईद मुबारक क्योंकि अज ईद का दूसरा दिन है कल तो असं मसरूफ पासे बकरे खाने वे गोश्त जरा ना तकसीम करने वे कल असी कोई रेसिपी रुसबी हुई ज़्यादा नहीं पकाई इसलिए गोश्त पकाया सीगा शुक्र है अल्लाह का बिजली भी आ गई हैगी हूँ फिर सब तो पहला काम तो मैं करन लगे आ गया कि जेड़ी चर्बी हैगी इन घ्यो कड़ना है अम्मी कह रही है कि चर्बी च घ्यो कड़ ला फिर उतने टाइम तक मैं भी फर्क हो जानी हाँ क्योंकि 2-3 रेसिपी बनानी एक नाल अम्मी बना रहेगी एक मैं बना रहा हाँ हाँ तकरीबन एक तो वजन वाला है अबू जान जा दुकान ही बंद करनी बल्कि एक वज गया है उन्होंने मेरे लिए कॉल नहीं की थी कि पता चाचू उफ्ताब आ गया उन्हें बंद कराती फिर वो आ जाते ने फिर तो आ मेरे जो कपड़े ने खराब हो गए ने क्योंकि ये चर्बी सी ये जम जम के बर्फ बनी हुई सी इन्हें मैं खुरदा रहा छिट्टे जी मेरे से पैर ने सारे उ स्मैल जी आ रही है तो परीक्षा जी है अलग अपनी रेसिपी पकावन लगी तो उत्थे कोल मैं भी अपनी रेसिपी पकावन लग्या परीक्षा असल तो ना गोश्त उबालन लगी हैगी कल कुछ उबालिया सीगा ते फिर एक चाचू जान दे गए सीगे असल तो असी कुर्बानी ना ही ना करते साढ़े लिए तो गोश्त बहुत ज़्यादा जमा हो जाता क्यों खुद आके आवाम दे जाती है घर लेकिन असी अल्लाह दे रात देने वास्ते कुर्बानी की तो जिहड़ा घर कुछ आया है ना तुहानू पता कल किन्ना उबाल हाँ जो सुबह में गया उदो अबू जान एक दोस्त आके दे गया है हाँ
आज अपन शामियां वगैरह बनावांगे कुछ अद्दी। हां बनावांगे। मैं ही कढ़ाई ते रखती हैगी इधर कोल परिशा जेड़ी हैगी गोश्त तो बाल दी हैगी ते कोल चर्बी भी लेके आ गया आगे पहले ते कासने ते लाक रखनी तो हुण इंदे चक के फिर इंदे सिटने गरम हो गई है बस एवें ही सिटनी हैगी ते इंदे घी निकल जाना आप सुक जावेगी चर्बी सारी ते माशाल्लाह चर्बी चो घी निकलना शुरू हो गया माशाल्लाह देखो किस तरह निकल रहा है ते हाले तक कमी कह रही हैगी कि जे चर्बी हैगी सारी खुरनी शुरू हो जाएगी थोड़ी थोड़ी रह जानी हैगी जो इन्नी वड्डे वड्डे ने इन्हें थोड़ी थोड़ी रह जानी हैगी पकौड़े की तरह बन जाने ने देखो कि उबाले थलो पै रहे माशाल्लाह जी हुण वेखो किन्ना घी निकल गया विचों तकरीबन मैं कहना किलो नो ज्यादा निकल गया हाले तक निकल रहा है वेखो किवें उन्ना किवें नरम नरम हो गया ते एक मैं अपने सारे भैन भाई मशवरा देना चाहना आगे कि जेडे मेरे भैन भाई कोई ना कोई कुर्बानी का जानवर करते हैं चर्बी संभाल के रखी करो बड़ी कम देंदी हैगी तकरीबन किलो भी निकल जावे ना 650 रुपए का पाकिस्तान दे विच ते ए डेढ़ हाँ वाकई गोश्त जा रखना हाँ गोश्त दे विच चर्बी रख ली अपने हिस्से दे विच ते हाँ अम्मी कहती है घर का हिस्सा उन्होंने बंदा चर्बी रख लवे बाकी सारे गरीबा जो तकसीम कर दे क्योंकि चर्बी भी बड़ी फायदेमंद वेख लिया ना कितना यकीन मैनू नहीं पता सी मैं तो जिंदगी पहली बार काट रहा घी आखो कि प्यारा प्यारा निकलिया फिर देसी घी नो बाद आंदा है आखो घ्यो जी जरा सारा इन्हें अच्छी तरह निकल गया सीगा लेकिन घ्यो का रंग वेख सकते हो थोड़ा थोड़ा काला है और इस वजह तो इन्हें उत्ते परिशा ने सट्टा सीगा मछली मसाला सिटे ने इस वजह तो अम्मी ने कहा कि करारी जी उतनी पापड़ियाँ बन जाएगी सड़दा नहीं लेकिन मसाला भी सड़ भी गया तो पापड़िया ही रुच गया है तो बाकी इन अच्छी तरह पौन लवेंगे पौन के फिर इन्हें कोशिश करने घ्यो जी बड़ी वड्डी गलती की वजह से इन्हें जहाँ कलर हैगा तुम वेख सकते हो बिचो काला काला थले ना वो मसाला सड़ के थले बह गया है इन्होंने साफ शीशे वाकू निकलना सीगा तुसीं ट्राई जरूर करिया जे विच इहो जी गलती ना कर बैठे लेकिन आ भी ना मछली वाकू बनया मैं खा के चेक किया एक रैसपी समझ लो साड़ी तैयार हो गई तो आ बाकी जो घ्यो सन थोड़ा दूर होकर बह गर्म हैगा तो इन्हू अच्छी तरह किसी चीज़ ना पुन के तो मुड़े दानों खाने साफ सुथरा घी निकलेगा जिमें उत्ते फिर रहा है तो कढ़ाई के घ्यो जोड़ा है छान लिया है इधर तुम घ्यो वेख सकते हो कि प्यारा बनया है कपड़े जरिए छाने कितना गर्म हाँ देसी घ्यो बनया पे आ गलती की वेखो ना मसाला थले सड़ सड़ के ना थले हो गया सीगा इन गलती सारी चलो कोई बात नहीं हूँ फिर आ अम्मी तो कह रही है कि 2-2.5 किलो हो गया मैं 1.5 किलो समझी खोता सीगा हाँ अम्मी कहती भी 2-2.5 किलो क्योंकि पतीला वेखो आ वो थलो बाले मार रहा खुद ब खुद इंज करने एमी बिच रुच रहा है पता नहीं की मसला थलो लीक उबाले खुद ब खुद मार रहा मैं डर ते गोश्त चक के मैं लैके आ गया आगे तो अच्छी तरह इन्हें बोर लेना क्योंकि बुरे गोश्त दे बेसन पा के ते होर इन कोई चीज़ नहीं पानी मसाले वगैरह जो करारे पाने ने करारा बनाने वास्ते तो इन्होंने बनाने ने पकौड़े तो गोश्त जोड़ा है अच्छी तरह मैं बोल लिया तो हूँ इन्हें वास्ते इतने थोड़ा मसाला बना लें जिंद लाना क्योंकि ज़्यादा नहीं बनाना इनका मसाला काली मिर्च कढ़ाई गोश्त लाल मिर्च कोरमा मसाला ते नमक इन्हू पहले अच्छी तरह मिक्स करके उतो पानी पा के अच्छी तरह ना लाना मसाले जी अच्छी तरह बिच रल गए ने गे तो हूँ इन्हें पानी पा के थोड़ा मिक्स कर लें ज़्यादा ना पतला भी नहीं बनाना थोड़ा थोड़ा ना हो हार्ड हार्ड
अलहमदुलिल्लाह मसाला जिहड़ा हैगा तैयार हो गया हैगा ते हुण इहदे विच पाउंदे आ गोशत। ए नवी रेसिपी हैगी पकौड़े समझ लो बनने नेगे गोशत वाले पूरे गोशत दे पकौड़े ओही बेसन वाले बड़े मजेदार बने। देखो ये माशाला कितना अच्छी तरह ने इन्दे विच गोशत मिक्स हो गया हैगा ते हुण फिर इहदियां बन सकदियां ने शामियां पकौड़े ते कबाब। मैं दो चीज़ा बनावांगा शामियां ते पकौड़े अद्धे शामियां दे पकौड़े ते हुण फिर जाके अग बालने आ जल्दी जल्दी शामियां पकौड़े बनाने आ। तो हूँ जी फिर बनाने टिक्कियां टिक्कियां का संच आया है उत्तों इन्हें मंड के ना अच्छी तरह बनती जावन गए कौलियां बड़े काम आई ने माशाला टिक्कियां जड़िया ने तैयार हुई खोती लेकिन थोड़ा जो और उबाला लवाल भी क्योंकि आ थोड़ी जी मोटी बनी सी इन्हें तो और भी पानिया ने क्योंकि जितनी मर्जी पाई है कोई नहीं मसला है कि गर्म है मिनट लगना है बनने के। माशाला दो टिक्कियां तैयार हो गई ने ट्राई किया मैं क्या तलीवियां अच्छी तरह कि नहीं बारे अच्छी तरह तरीकिया नहीं गया हूँ मैं सोच रहा पहले ना छोटे छोटे पकौड़े बना लवा तो उस तो बाद फिर टिक्कियां बनावेंगे पकौड़े बिल्कुल छोटे छोटे बनावेंगे क्योंकि अंदर जो बेसन है ना वो भी ठीक हो जाए। माशाला पकौड़े जड़े ने सारे तैयार हो गए ने मैं कहना टिक्कियां नू बेहतर ने पकौड़े बना लवा क्योंकि पकौड़े का मैं थोड़ा घना ना अंदाजा है टिक्कियां जड़िया अगे ही अम्मी ने दीतियां ने मैं खा के चेक करो वह कह रहे हैं कि अच्छी तरह मुझे पकड़ियां नहीं चलो कोई बात नहीं हम फिर पकौड़े चलन पकौड़े माशाला बहुत जबरदस्त बने। बाकी पकौड़िया की तलाई हो रही हैगी तो पकौड़े ना शामिया जबरदस्त बन रहे ने गे तो हूँ पकौड़े ही बस तलने ने सारे दे थोड़ा जहा रह गया है बेसन पकौड़े तलने माशाला देखो किन्ने जबरदस्त बन रहे ने क्योंकि मैं बरीक बरीक सिट रहा आ गया विचों अच्छी तरह बेसन पकता जा रहा है उबले। बाकी माशाला सारे पकौड़े बना लेने गए चाचू इजाज और भी आ गए ने अबू जान भी आ गया है चाचू जान चको माशाला बिस्मिल्लाह रहमान रहीम चेक करो गोश्त पा लवे अच्छा गोश्त नहीं पा रहा अच्छा कह रहे ने कि गोश्त पा एक मिनट में फटा चल परिशा फटा लेंगी हेलो चाची जान कड दियो चाची और भी इधर आए बैठे ने सारे ते पेंट मेरी दी हुण अम्मी फिटिंग कर रही है सारा नु ना कड के दियो उतो बोतल पीवणगे। बाकी ये पकौड़े वगैरह बना के खा भी लैने गे चाचू री हाली तक खा रहे ने अबू जान चाची जान पर बैठे ने ते चाची जान ते अम्मी जान इधर बैठी नहीं है ते हुण फिर मैं जल्दी जल्दी नाल आऊं तुसीं पसीना वेख सकदे हो मैनू किन्ना लै गया हैगा नहा के फिर चलना जल्दी सारे जने जिन्हें जी तैयारी कर ली लेकिन अम्मी अपना जो सूट सीता आ गया वह कुछ ना ज्यादा फिटिंग सीता है मेरी पेंट ही बड़ी औखी मैं पहनी हैगी फिटिंग सी तो हूँ अम्मी ने फिर पुराना सूट पा लिया चलो कोई बात नहीं हूँ जल्दी जल्दी चलिए चलो चाचू जान हाँ निकलो तो नूर नू अज कार की पता आप जूटे दिला लिया चलो ठीक है चलो मोटरसाइकिल कढ़ने हूँ फिर सारी फैमिली साड़ी जा रही ऐशा समैत ते साढ़े पांच हो गए नंदर अबू जान से सुन रहे हो गए चाचू जान और निकल पैने गए अबू जान जान लगे तो मैं भी पीछे चलना आ गया मेरे पीछे प्रीशा और इन्हें गए प्रीशा आयशा तिमान फातिमा मेरे नाल जा रहे ने गे चाचू जान और अबू जान और अगे जा रहे ने गे मैं इन्होंने पीछे पीछे ही आ गया जिथे लै गए उथे जावे हूँ वेखना कितने जाते ने फिर अज ते दरिया रावी दे विच अगे नालू भी ज्यादा पानी आ गया है ते जेड़ी जगह दन में खलो के वो विखाया सी कल दरिया पूरा वो जगह विच डेगी सामने सी वेखो उस तो पिछे पिछे अमाम फिरती हैगी वो जगह सारी खत्म हो गई रड़ान तो अगे जेड़ी सी वो वेखो मैं तुहानू कहा सी ना टेक लाई खड़ा है सीट लैनी है आ भी सारी जगह खत्म हो रही है ते अगे पुल उत्ते बहुत ज्यादा रश है इतों नजर आ रही है लेकिन की पता सी वापसी ना इतने जरूर आईए अपनी जान कह रहे थे आवेंगे जरूर तो पहले होया भी गोसाईवाल जाना है उधरों हो के फिर अगर अज ईद का दूसरा दिन है तो अज दरिया रावी से भी बहुत ज्यादा रश है कल नालों भी ज्यादा है वो सा
सामने वेखो किन्नी आवाम हैगी। अगो ये ब्रिज हैगा यकीन कर ब्लॉक जो है खाता है अज कश्ती लगी हुई है माशाल्लाह किन्ना ज्यादा पानी है। चाचू जान और यो सामने जा रहे थे माशाल्लाह वापसी ते आवांगे कि असीं कश्ती दे झूले वगैरह लेके खाने हैं। चाचू जान रहे सामने मुड़ गए ने जिन्हों अबू जान अगे चले गए सीगे वह भी वापस मुड़े आए। इधर रश बहुत ज्यादा शहर वाले जा रहे ने चलने आन जल्दी जल्दी चाचू जान कह रहे पिछली इतने तो बड़ा रश है ऐसे वेखने किन्ना रश है। इतने रिजल्ट च आ गया मोटरसाइकिल इतने पार्क किया है आयशा भी नाल आई हुई है ते हुण फिर रिजल्ट जाके पहले घूमना है उस बाद इधर आवा रश है बहुत ज्यादा देख सकते हो कितनी पार्किंग लगी हुई गड्डियां। बाकी रिजल्ट च आ गया पिछे साउंड वगैरह चले हुए माशाल्लाह बहुत प्यारा व्यू हैगा इधर सारे साउंड वगैरह चले हुए ने गे एक तरह क्लब भी बने हुआ हैगा ते तुहानू पहले ही आ जगह विखाई हुई हैगी अगे जाके तुहानू जानवर वगैरह विखावांगे क्योंकि बड़ा मसला बन जांदा हैगा साउंड वगैरह दा। अबू जान इत्थों दे मालक बन के बह गए ने वैसे एको ज्यादा नहीं हो गया भी माशाल्लाह गलियां तुहानू पहले ही विखाई हुई लेकिन बार बार विखा रहे हैं ते अबू जान बड़ा इंजॉय कर रहे ने गे अज मैं तो छोटा बच्चा इंजॉय कर बाकी माशाल्लाह बहुत प्यारा व्यू है पिछली बारी भी तुहानू विखाया सी जिन्हें नहीं वेख्या सी वेख लो इधर साइडा ते पार्कां वगैरह भी बनी हुई हैं ते फुल वगैरह भी लगे हुए ने ते दूसरा शेर जी आ सामने बैठा है माशाल्लाह तुसीं वेख सकदे हो ओ दूसरी साइड ते दूसरा फिरदा है ते मैनूं इंज महसूस हुंदा जदों कैमरा चलाना जिवें मैं इहनां दे कोल फिरदा आ गया ते दंद वेखो किवें ने गे इहदे आ वेखो ओए होए 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 जुलम दे वड्डे वड्डे पहले मैं कदी नहीं गया आज खुली हुई अज तुहानू खा देना आ गया पहले तो बंदर बैठे ने आ मस्तियां करदा नाल मेरे हां हर वेरी जदों आईदा ना इहनूं मैं जरूर वेखना आगे आंदा ही मेरे लिए बड़ा भज भज के भावे चुंझ मार लो बुड्ढी साहब इन्हें चक लेना ओहो इधर मोर पार्क लारी खड़ा है सन कैसने इन कह रहे हैगा आ देखो ओए ओए आ की करता ने इधर घूम रहे हैगा तन्नू खाना मैं अच्छी तरह आ देखो ओए होए 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 गुस्से जा के ज्यादा ना खिलार दे नेंगे जो ना थोड़ा खतरा महसूस हो गए देखो किन्ने प्यारे नेंगे इतने किले रिजल्ट नहीं आ रहा फिर भी तुम खा रहे हो किन्ने खिला रहे हो। अबू जान जी मरी आ गए ने कह रहे मैं मरी आ गया वो चिट्टे चिट्टे पत्थर रखे उन्हें कहता पे बर्फ हैगी मरी दे पहाड़ ने गए बर्फ पीले कोयल ही आ गई उत्ते माशाल्लाह। बाकी ये इधर पार्क हैगी अज इत्थे समान वगैरह आएगा तुसीं देख सकते हो सामने दुकान बनी हुई है उहदे टिक्के वगैरह नहीं गए सामने भाई बना रहा है इधर शॉप हैगी इत्थे बह के सारा समान जो है कोई लिया खाना हैगा आ साइडा डंडे जे रखे हो पता नहीं किस वास्ते ने आर्डर वगैरह देने वास्ते नहीं की चीज़ हैगी।
ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸੋਚ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਖਾਣਾ ਖਾਵਾਂਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਚਾਚੂ ਜਾਦ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਮਹਿੰਗਾ ਬੜਾ ਹੈਗਾ, ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਖਾਣਾ ਖਾਵਾਂਗੇ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਬਾਹਰ ਜਾ ਖਾ ਲਵਾਂਗੇ, ਬਾਕੀ ਬੋਤਲ ਵਗੈਰਾ ਇੱਥੇ ਪੀ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਝੂਲਿਆਂ ਜਾ ਕੇ ਝੂਲੇ ਦਿਲਾ, ਉੱਧਰ ਝੂਲੇ ਦਿਲਾਉਣੇ ਫਿਰ ਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ। ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਆਏ ਹਾਂ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਬੜਾ ਇੰਜੋਏ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਬੋਤਲ ਵਗੈਰਾ ਲੈ ਕੇ ਪੀਣ ਲੱਗੇ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਮਹਿੰਗੀ ਬੜੀ, 200 ਰੁਪਏ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਲੀਟਰ ਵਾਲੀ ਕਹੇ ਸੀ। ਅੱਟ ਜਾਓ ਅਤੇ ਹੁਣ ਫਿਰ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਝੂਲੇ ਵਗੈਰਾ ਦਿਲਾ ਲੈਂਦੇ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਵੇਖੋ, ਚਮੇਲੀ ਦੇ ਫੁੱਲ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ, ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਰੋਟੀਆਂ ਹੀ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਅੱਬੂ ਜਾਨ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਇੰਜੋਏ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਆਏ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈਗਾ ਕਿਤਨੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਪਿੱਛੇ ਸਾਊਂਡ ਚੱਲੇ ਹੋਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਯਕੀਨਨ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਾਡੀ ਵੀ ਉਹ ਜੀ ਕੋਠੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਸਾਡਾ ਵੀ ਇਹ ਖੁਆਬ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਫਿਰ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ, ਅੱਬੂ ਜਾਨ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਜੀ ਹੈਗਾ ਸਿੰਗਿੰਗ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਇੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋਏ ਨੀ ਵਿਖਾਇਆ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਖਾ ਦਈਏ। ਆਹ ਵੇਖੋ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬਾਂਦਰ ਦਾ ਬੱਚਾ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਇੱਧਰ ਦੂਸਰਾ ਬਾਂਦਰ ਹੈਗਾ। ਬਾਕੀ ਜੀ ਉਸ ਬੰਦਰ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਮੈਨੂੰ ਡਰਾਇਆ ਸੀ, ਇਸ ਵਾਰੀ ਨੁਮਾਨ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾ ਕੇ ਖਿੱਚਣ ਲੱਗਿਆ। ਨੁਮਾਨ ਰੋਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਉਸ 'ਚ। ਸੁਣਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ। ਅਤੇ ਇੱਦਾਂ ਜੀ ਉੱਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੇ ਚਸ਼ਮੇ ਨੇਗੇ, ਥੱਲੇ ਪਾਣੀ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਅਤੇ ਉੱਧਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੱਚੇ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ, ਉੱਥੇ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ, ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਬੰਦਰ ਨੇ ਫੜ ਲਿਆ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਾ। ਹਾਂ, ਉਹ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਛੋਟਾ ਬੇਬੀ ਬੈਠਾ ਜਿਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇਤਨਾ ਸ਼ੋਰ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਆਹ ਦਾ ਬੰਦਰ ਕਿਸੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਆਹ ਵੇਖੋ ਬੜਾ ਗੁੱਸੇ ਫਿਰਦਾ। ਆਹ ਵੇਖੋ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਧਰ ਨਾ ਬੰਗੂੜਿਆਂ 'ਤੇ ਜਾਵਣ ਲੱਗੇ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਇੱਧਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਾਹਰ ਬਣੀ ਹੋਈ ਜਗ੍ਹਾ, ਇੱਥੇ ਗੱਡੀਆਂ ਵਗੈਰਾ 'ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿਲਾਉਣ ਜਾਓ ਤਾਂ ਅੰਦਰ ਲੱਗੇ ਸੀ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁੱਲੇ ਵਗੈਰਾ ਦਿਲਾਵਣ ਲੱਗਾ। ਅੱਬੂ ਜਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਆਈਸਕ੍ਰੀਮ ਖਾ ਲਈ, ਫਿਰ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਅੱਬੂ ਜਾਨ ਜੀ ਕੋਨਾ ਲਿਆ ਲਿਆ ਕੇ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਹਿਲੇ 3 ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀਗੇ ਅਤੇ ਹੁਣ ਹੋਰ ਆ ਗਏ। ਇੱਥੋਂ ਆਈਸਕ੍ਰੀਮ ਜੀ ਖਾ ਲਈ ਹੈਗੀ ਅਤੇ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੀ ਹੁੰਦੀ, ਉਹ 200 ਰੁਪਏ ਦਾ ਪੈਕਟ ਮਿਲਦਾ, 15 ਸਿੱਕੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਦੋ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਦੋ ਹੁੰਦੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੁੰਦੇ, 2-3-4 ਇਤਨੇ ਕਿਤਨੇ ਹੁੰਦੇ। ਟਿਕਟਾਂ ਦਾ ਵੀ ਥੱਬਾ ਇੱਕ ਲੈ ਲਿਆ, ਟੋਕਣਾਂ ਦਾ ਵੀ ਮਜ਼ੇ ਕਰਾਉਣੇ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ। ਚੱਲ ਆਈਲਾ, ਚੱਲਣਾ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਟੋਕਨ ਦੇਣਾ ਹੈਗਾ, ਪਹਿਲੇ ਝੂਲੇ ਨਾਲ ਦਿਲਾਉਣੇ। ਅਤੇ ਗੱਡੀਆਂ ਚਾਰਜਿੰਗ 'ਤੇ ਲੱਗੀਆਂ, ਚਾਰਜਿੰਗ ਖਤਮ ਹੋਈ ਹੋਈ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਚਾਚੂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਚਾਰਜਿੰਗ 'ਤੇ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਨਾ ਕਾਰਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਟੋਕਨ ਚੱਲੇ ਨੇ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਟੋਕਨ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈਗਾ, ਟੋਕਣਾਂ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤਾਂ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਉਸ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਗੱਡੀਆਂ ਵਗੈਰਾ। ਨੂਰ ਜੀ ਇੱਧਰ ਆ ਗਈ ਹੈਗੀ, ਇਹਦੇ ਥੱਲੇ ਨੇ ਇੱਥੇ 2 ਟੋਕਨ ਪੈਣੇ ਨੇ, ਪਾਓ ਨੂਰ ਨੂੰ ਚਲਾ ਕੇ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹਸਨ ਗੱਡੀ। ਨੂਰ ਗੱਡੀ ਚੱਲ ਗਈ, ਚਲਾ ਚਲਾ ਸਿੱਧੀ ਚਲਾਈ, ਇੰਜੋਏ ਕਰ ਰਿਹਾ ਨੂਰ, ਇੰਜੋਏ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਅੱਗੇ ਦੀ ਗੱਡੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈਗੀ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਝੂਲਾ ਹੈਗਾ। ਹਾਂ ਝੂਲਾ ਹੈਗਾ, ਕਿਸਮ ਦਾ ਝੂਲਾ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਰਿਹਾ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ, ਅਚਨ ਮਾਨ ਲਵੇਗਾ ਜੂਟੇ ਆ ਜਾ।
ਇਸਮੈਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਲੱਭ ਕੇ ਦਿੰਨੇ ਆ। ਇਹ ਬਹਿ ਗਿਆ ਹਨੂਮਾਨ, ਆਹਾ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਉਡਾਏਗਾ ਬਾਈ। ਬਾਕੀ ਹਨੂਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਜੂਲੇ ਦਿਲਾਨੇ ਆ। ਡਬਲ ਡਬਲ ਪੁਆਇੰਟ ਪਾਤੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਡਬਲ ਚੱਲੇ। ਬੜਾ ਜਵਾਕ ਹਲੇ ਤੱਕ ਸਕੂਟਰ ਵਗੈਰਾ ਦਿਵਾਵਾਂਗੇ ਜੂਲੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਸੋਰੀ ਮਾਈ ਮਿਸਟੇਕ, ਅਸਲ ਦੇ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਕਹਿਤਾ ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਜੀ ਹਸਨੈਨ ਨੇ ਫਰਮਾਇਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਇਸੇ ਹਾਥੀ ਦੇ ਜੂਟੇ ਲੈਣੇ ਨੇਗੇ। ਆਹ ਇੱਕ ਪੈਕਟ 'ਚ 4 ਕੁਆਇਨ 5 ਰਹਿ ਗਏ ਨੇਗੇ, ਬਾਕੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇਗੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪੈਕਟ ਹੈ। ਹਾਂ ਉੱਧਰ ਵੀ ਨੇਗੇ ਨੁਮਾਨ ਅਤੇ ਨਿਜਾਫ ਫਾਤਮਾ ਇੱਧਰ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤਾਂ ਕਿਧਰੇ ਦਿਲਾਨੇ ਆ, ਇੱਕੇ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਨਹੀਂ। ਆਹ ਇੱਧਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਇਆ ਜੀ ਹੁਣ। ਹੈਲੋ ਫਿਰ ਆ ਗਏ ਇੱਥੇ ਨੁਮਾਨ ਨੂੰ ਦਿਲਾਨੇ। ਆ ਜਾ ਬੈ 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 ਬੁੱਕ ਕਰਾ, ਗੱਡੀ ਬੁੱਕ ਕਰਾ। ਹੁਣ ਫਿਰ ਪੁਆਇੰਟ ਪਾਉਣਾ ਇਹਦੇ ਅਤੇ ਨੁਮਾਨ ਨੂੰ ਜੀ ਇਹ ਵੀ ਚਲਾ ਕੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ। ਇੱਕ ਪਿੱਛੇ ਸਾਊਂਡ ਬਹੁਤ ਚੱਲੇ ਉਹਨੇ, ਸ਼ੋਰ ਬਹੁਤ ਹੈਗਾ ਅਸਲ ਦੇ ਨਾਲ। ਅਤੇ ਇਮਾਨ ਫਾਤਮਾ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਦਿਲਾਨੇ ਆ ਜੂਲੇ। ਆਹ ਟੋਕਾ ਨਿਕ ਗਿਆ ਅਤੇ ਆ ਗਿਆ 2, ਚੱਲਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਪ੍ਰੀਸ਼ਾ ਰਹਿ ਗਈ, ਪ੍ਰੀਸ਼ਾ ਨੂੰ ਦਿਲਾਨੇ ਕਿਤੇ। ਅਸਲ ਤੇ ਸਾਰੇ ਜੂਲੇ ਬੁੱਕ ਹੋਏ ਪਏ ਨੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਫਾਰਕ ਹੈਗਾ ਇੱਥੇ। ਹਾਂ ਨੁਮਾਨ ਜੀ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਅੰਦਰ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਅੰਦਰ ਜੰਪ ਜੁੰਪ ਲਵਾਂ ਅਤੇ ਸਨੈਨ ਹੁਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰੋਂ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਸਨੈਨ ਹੋਰ ਹੀ ਫੁੱਲ ਇੰਜੋਏ ਕਰ ਰਹੇ, ਹੋਰ ਸੁਣਾ ਮਜ਼ਾ ਆ ਰਿਹਾ। ਨੁਮਾਨ ਉਹ ਫਿਰਦਾ, ਨੂਰ ਨੂੰ ਹੀ ਭੇਜਣੇ ਆ ਪਿੱਛੇ ਦੇ। ਸਨੈਨ ਹੋਰ ਉਹਨੇ ਇੱਥੇ ਜੂਲੇ ਦਿਲਾ ਲਏ, ਨੂਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣੇ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ। ਅਤੇ ਆਹ ਵੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮੇਰੇ ਜਿੰਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਗੇਮ ਆ ਬਣੀ ਹੋਈ। ਚੱਲ ਆਜਾ, ਉਹ ਬਾਅਦ ਲਵਾਂਗੇ ਕਦੀ, ਫਿਰ ਆਏ ਮੈਂ ਵੀ ਲਵਾਂਗਾ, ਪਰ ਹਲਕੇ ਲਵਾਂਗੇ। ਆਹ ਬੜਾ ਖਤਰਨਾਕ ਗੇਮ ਹੈਗੀ ਉਹ। ਗੱਡੀਆਂ ਜੀ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਚਾਰਜ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਚਾਚੂ ਜਾਦ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਇੱਥੇ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਉਹ ਆਇਆ ਹੈਗਾ, ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਖਾਣਾ ਖਾ ਲਈਏ ਅਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜੂਲੇ ਵਗੈਰਾ ਦਿਲਾਵਾਂ। ਅਤੇ ਇੰਨਾ ਇੱਜ਼ਤ ਸੀਗੇ ਅਸੀਂ ਘੋੜੇ 'ਤੇ ਜੂਟੇ ਲੈਣੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਜਲਾ ਤੇ। ਨੁਮਾਨ ਤੂੰ ਲੈਣੇ ਨੇ? ਚੱਲ ਤੈਨੂੰ ਦਿਲਾਉਂਦੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਨੁਮਾਨ ਨੂੰ ਜੂਲੇ ਦਿਲਾਉਣ ਲੱਗਿਆ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਚਾਚੂ ਜਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪਹਿਲੇ ਖਾਣਾ ਖਾ ਲਈ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਜੂਲੇ ਦਿਲਾ ਲਏ। ਅਬੂ ਜਾਨ ਜੀ ਆਰਡਰ ਦੇਣ ਗਏ ਨੇਗੇ। ਬਾਕੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰਾ ਵਿਊ ਹੈਗਾ। ਚਾਚਾ ਪਤਰੀਆ ਇੱਥੇ ਬੈਠਿਆ, ਬਾਕੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਉੱਧਰ ਬੈਠੀ ਹੈਗੀ। ਅਬੂ ਜਾਨ ਜੀ ਉਹ ਆਰਡਰ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਏ ਨੇਗੇ, ਉੱਧਰ ਪਹਿਲੇ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਦੇਣਗੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਲੈ ਆਉਣਗੇ। ਅਤੇ ਇਹ ਅਬੂ ਜਾਨ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਏ ਫਰੂਟ ਚਾਹ, ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਹੀ ਆ ਜਾਓ, ਐਡਜਸਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆਪਾਂ। ਅਤੇ ਇੱਧਰੋਂ ਜੀ ਖਾਣਾ ਖਾ ਲਿਆ ਹੈਗਾ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਗੱਡੀ ਚੱਲੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਸਾਰੀਆਂ ਚੱਲ ਗਈਆਂ। ਹੁਣ ਅਬੂ ਜਾਣੇ ਤਾਂ ਹਾਂ ਪਹਿਲੇ ਬੁਕਿੰਗ ਕਰਾ ਲਏ। ਛੋਟੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੱਚੇ ਚਿੰਬੜੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚਾਰਜਿੰਗ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ, ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ ਅਨਕਰੀਬ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਕਾਰਾਂ ਜੂਲੇ ਦਿਲਾ ਲੈਣ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ। ਅਤੇ ਨੁਮਾਨ ਅਤੇ ਹਸਨੈਨ ਇੱਧਰ ਬਹਿ ਗਏ ਨੇਗੇ, ਨੂਰ ਉੱਧਰ ਹੈ। ਹਾਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਦੇ, ਨੁਮਾਨ ਥੱਲੋਂ ਨਾ ਮੰਡੀ ਕਰ, ਲੱਤ ਲੁੱਤ ਨਾ ਮਾਰੀ ਕਿਉਂਕਿ ਟੱਕਰ ਮਾਰੇਗੀ ਫਿਰ ਉਹਦੇ। ਲਓ ਜੀ ਨੁਮਾਨ ਨੂੰ ਆਹਿਸਤਾ ਆਹਿਸਤਾ ਨਵਾਲ ਲਾਉਂਦਾ ਯਾਰ, ਇੱਕੇ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਘੁਮਾਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਪ੍ਰੀਸ਼ਾ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਨਵਾਲ ਲਾਉਂਦਾ। ਅਤੇ ਹਸਨੈਨ ਹੋਰੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇਗਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕਾਰ ਨੂੰ ਕੀ, ਬਲਕਿ ਲੜੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਅੰਦਾ ਮੈਂ ਚਲਾਉਣਾ ਇੱਕ ਅੰਦਾ ਮੈਂ ਚਲਾਉਣਾ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜੀ ਜੂਲੇ ਵਗੈਰਾ ਦਿਲਾ ਰਹੇ ਨੇਗੇ, ਤੂੰ ਹੁਣ ਫਿਰ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਜੀ ਰਾਤ ਹੋ ਗਈ, ਜਿਉਂ ਹੀ ਰਾਤ ਹੋਈ ਹੈਗੀ ਤਾਂ ਰਸ਼ ਵੀ ਵੱਧ ਗਿਆ, ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਮ ਹੋਈ ਖੋਤੀ ਹੈ। ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੱਕ ਗੱਡੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ, ਅਬੂ ਜਾਨ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਕੱਢਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇਗੇ। ਬਾਕੀ ਇੱਥੇ ਰਸ਼ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਗਾ, ਅੱਗੇ ਨਾ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਵਾਕੂ ਨਾ ਗੱਡੀਆਂ ਫਸੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇਗੀਆਂ। ਚਾਚੂ ਜਾਗ ਅਤੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਬਾਹਰ ਖੜ੍ਹੇ ਹਾਂਗੇ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਇਹ ਵਾਲਾ ਵੀਡੀਓ ਅਗਰ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਛਾ ਲੱਗਾ ਹੋ ਚੈਨਲ ਚੈਨਲ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨਾ, ਵੀਡੀਓ ਲਾਈਕ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਦੋਸਤਾਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ। ਬਾਕੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂ ਮੈਂ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਵਲੋਗ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ, ਕਿ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅੱਗੇ VIP ਜਗ੍ਹਾ ਜਾਵਣ ਲੱਗਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਣਾ ਹੈਗਾ ਅਗਲਾ ਵਲੋਗ ਜ਼ਰੂਰ।